लॉन्च बेसिकली एक फिटनेस मोटिवेशनल सीरीज का है, इट इज एन इंटरनेशनल फिटनेस मोटिवेशनल सीरीज, हेंस लॉन्च है गोल्ड जिम में. गोल्ड जिम हैज बीन अ पायनियर ऑफ फिटनेस सिंस 16 इयर्स नाउ एंड इट इज कंप्लीटिंग 16 इयर्स नवंबर 2nd. तो हमने सोचा क्यों ना एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट करें और साथ में ये लॉन्च भी करें. सो दिस बायोसैश वेलसैश इज अ वेरी हेल्दी जूस, इज अ प्रोडक्ट विच इज वेरी गुड फॉर योर हेल्थ. उसके ऊपर आपको आई डोंट थिंक सो माइक वेलसैश वेलसैश के ओनर है मिस्टर अर्जुन खन्ना, वो थोड़ी देर में आपको ब्रीफ करेंगे. मिस्टर संग्राम सिंह, उनके बारे में क्या कहना, ही इज एन इंटरनेशनल रेसलिंग चैंपियन. And also he's been associated with Gold's Gym. He featured on our calendar for being a part of making India fit. That's the initiative. And so can I please have Mr. Sangram Singh over here? Hello. Namaste. देखो आजकल वैसे ही काफी कुछ चल रहा है. Hello. तो कहीं कुछ मीटू चल रहा है, कहीं कुछ चल रहा है, मगर हमने सोचा कि इसके बीच में एक अच्छी चीज़ लेके आए जो एक्चुअली सबको इंस्पायर भी करे और हेल्थ के लिए भी अच्छा हो. तो एक ये इंटरनेशनल एक फिटनेस मोटिवेशन सीरीज लेके आए हैं और एक वेल्स ऐसी एक जूस है जो सिबक थनबेरी है, जो मतलब काफ़ी रेयर है, जिसे कहते हैं ना कि टाइगर्स रेयर है, तो ये भी रेयर है. और मैंने देखा जिंदगी में कि जब मैं सुबह उठता हूँ ना तो मैं एक बात याद रखता हूँ कि भाई वापसी का टिकट बुक है, वापसी का टिकट बुक है. जो कुछ करेंगे ना अच्छा ही करना है. जैसे मैंने पहले बोला है, जिंदगी में दो ही रास्ते हैं, या दे के जाओ या छोड़ के जाओ. तीसरा कोई रास्ता तो मुझे बता दो, तीसरा कोई रास्ता है ही नहीं. तो इसलिए कोशिश करें कि अच्छा करें मालिक की दया से. अब ये सारे जो हमारे भाई बहन दो लगे रहते हैं ज़्यादा पैसा कमाने में, एक दूसरे को खींचने में, नीचा दिखाने में, तो कहाँ लेके जाएंगे? जो हमारे दादा परदादा थे सब यही छोड़े गए हैं, सब यही मतलब यही से स्टार्ट किया है. तो कोशिश की एक अच्छी चीज़ की कि भाई जिससे यूथ, जैसे अब मैं कल एक डॉक्टर से मिला, डॉक्टर साहब थे काफ़ी बड़े, तो उन्होंने मुझे बताया जैसे कैंसर है, शुगर है, अच्छा टीबी है, आर्थराइटिस है, ज्वाइंटिस है, बोला ये बीमारी है ना सिर्फ 10% होती है, 50% होती है हमारे विचारों की और 25% होती है नेगेटिविटी पॉजिटिविटी की, 15% जो हम कुछ खा रहे हैं ये सब है और 10% है शरीर की कोई भी बीमारी. अब उसको कितना ही बढ़ा लो कितना ही कम कर लो. तो आप सब के लिए एक ऐसी चीज़ लेके आए हैं कि जिसको देख के आप मोटिवेट हो गए और ये जूस पी के इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग हो गई, सब अच्छा होगा. इसके थोड़े से फायदे आपको ये बताएंगे ये खन्ना साहब हैं जिन्होंने जूस बनाया है, उसके बाद बात करूँगा आपसे. नमस्ते खन्ना साहब. नमस्कार जी. नमस्कार. सामने लिखा हुआ है योर बॉडी इज अ टेम्पल. तो आप अपने बॉडी को चढ़ावा देंगे वो अच्छी चीज देंगे तो अच्छा रहेगा. ये जो जूस हमारा है वेलसैश जूस, इसकी ये फिटनेस मोटिवेशनल सीरीज संग्राम भाई लेके आ रहे हैं आज हमारे कंपनी बायोसैश और वेलसैश जूस के साथ, ये याद रखने वाली चीज है. बॉडी इज अ टेम्पल. तो आप बॉडी में सही चीजें डालिए. अगर आप उसमें अच्छी चीज डालेंगे तो सही रहेगा. और जो नॉर्मली आजकल डाइट में मिलती है प्रेजर्वेटिव्स के साथ चीजें मिलती हैं, और अगर आप कोई जूस भी लेते हैं उसमें कोई नरिशमेंट नहीं है, कोई उसमें इंफॉर्मेशन नहीं है कि इसमें विटामिन ए है, बी है, सी है, कुछ भी नहीं है. लेकिन इस जूस में 190 मल्टीविटामिन मिनरल्स और खास बात यह है कि ओमेगा 3, 6, 7 और 9 चारों मौजूद हैं. तो ये ऑर्गेनिक सीबकथॉर्न बेरी जो कि हिमालय के चट्टानों से हम लेके प्रोसेस करते हैं उससे बनी हुई है. तो इमेजिन करिए कि एक संजीवनी बूटी हमने हिमालय से लेके आपको एक बोतल में डाल के दे दिए ताकि आपका शरीर तंदुरुस्त रहे हमेशा. और ये फिटनेस मोटिवेशनल सीरीज जो आज लॉन्च हो रहा है यहाँ पे संग्राम भाई के साथ, ये फर्स्ट इन 11 है और इंडिया में ऐसा आपको कहीं जूस मिलेगा नहीं, ना ही आपको वर्ल्ड वाइड अब्रॉड मिलेगा. ये फर्स्ट इन द वर्ल्ड जूस ऐसा है. और जो सीरीज आ रही है वर्कआउट की, देखो फिल्म एक्टर ढेर सारे करते हैं मगर ये एक्चुअली देखना ऐसा वर्कआउट नहीं मिलेगा. वर्कआउट नॉर्मल है मगर देखो मेन तो यही है, जैसे ये गोल्ड जिम में हम कर रहे हैं, गोल्ड जिम भी हम होता है एक मतलब काफ़ी
रेपिड ब्रांड है, मतलब जिम में जब हम छोटे थे तो गोल्ड जिम का ही नाम सुनते थे, गोल्ड जिम आज तक मतलब इतना चल रहा है वो अच्छी बात है, ऐसी इवेंट्स का है। और जूस का ये है कि ये एक पहली सीरीज है, मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ आप सबको अच्छा लगे तो इसके बारे में लिखना, क्योंकि क्या है कि आजकल हम सोचते हैं कि भी जबरदस्ती थोप रहे हैं, हर चीज़ जबरदस्ती कर रहे हैं, मगर ये वाकई में थोड़ा सा अटके है, इसके लिए मेहनत की मैंने पिछले 5-6 महीने में 20 केजी वेट कम किया नेचुरल तरीके से और मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ। अब ज़्यादा कुछ करते नहीं, पहले आपको एक सीरीज दिखा देते हैं उसके बाद हम बात करते हैं, पहले एक बार सीरीज का लॉन्च कर दें। और हमारे साथ महेंद्र साहब, महेंद्र जी भी हैं जो एक्शन डायरेक्टर हैं बहुत बड़े, आप भी देख के बताना क्योंकि आपने तो इतना एक्शन किया, इतना सब कुछ किया, कैसा लगा? इससे हमारी बॉडी ग्रोथ होगी, क्योंकि अब कई कहते हैं कि मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, कई कहते हैं कि आपका वेट 80 केजी, आप प्रोटीन रखे 60 केजी, 160 ग्राम सॉरी 80 केजी है, तो अब आदमी पूरा दिन वही सोचेगा कि मतलब बैठा घूमता रहेगा क्योंकि 160 ग्राम मैंने प्रोटीन खाया नहीं खाया। शेर है ना, जंगल की अर्थव्यवस्था कितनी कमजोर हो जाए, शेर तो विकास नहीं खाता, जितना भूखा रहेगा उतना वो ज़्यादा होगा। तो इसका क्या है कि नेचुरल चीज़ खाओ, नेचुरल चीज़ जोड़ो। अब मैं आपसे एक छोटी सी चीज़ शेयर करना चाहूँगा, जब मैं मुंबई आया था तो मुझे एक कोल्ड ड्रिंक कंपनी ने ऑफर दिया, मैंने पहले बोला है, तो उसका ऑफर था तकरीबन 1,40,000-50,00,000 रुपये का 3 साल के लिए और मेरे अकाउंट में थे 1,100 रुपये, मुश्किल से 1,100 समथिंग उसका। तो लेके आया मैंने घर के, भाई ये तो अच्छी चीज़, अच्छी डील है, 3 साल के लिए कर लेते हैं। मैंने सिर्फ 1-2 मिनट सोचा, मैंने कहा नहीं यार ये नहीं कर पाएंगे। तो बोला कि क्या है मतलब ये, तो मैंने कहा नहीं यार, अगर मैंने कहा देखो 5,50,00,000 छोड़ दो, अगर 5 बच्चे फॉलो कर रहे हैं ना वो जहर पिला रहे हैं, और अगर आपको रात को सुकून से सोना ना तो दिन भर ईमानदार रहना पड़ता है। फिर वो उसका ईगो हर्ट हो गया, जो उस ब्रांड का एक मतलब मैनेजर था, उसने मुझे मैसेज भेजा कि भाई आप देखो हमारे पास सचिन है, दूसरे हैं, स्टार हैं, सुपर स्टार हैं। मैंने कहा देखो सब अपने भाई हैं, मालिक की दया से हम उनको लेके, अब अच्छी बात है। मैंने कहा देखो मैं कोई नहीं, अगर आप इस ब्रांड के लिए कहोगे ना, आप ये बोलो कि टॉयलेट साफ करने के लिए मैं मेरे अकाउंट में 1,100 रुपये वो भी दूंगा पास से, तो कर लूँगा। तो मतलब कहने की बात ये है कि मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा जो हमारे स्टार हैं, सुपर स्टार हैं, स्पोर्ट्स स्टार हैं, कि भाई आप सबकी रोजी चल रही है, अब आप सबको पता नहीं कितने यूथ, कितने लाखों बच्चे आपको आइडल मानते हैं, तो प्लीज़ कोई ऐसी चीज़ प्रमोट मत करो जिससे उनकी हेल्थ नुकसान हो, जिससे उनकी हेल्थ खराब हो, उतना अफोर्ड नहीं कर पाए, परिवार को नुकसान हो। तो जब ये खन्ना साहब देखे इवेंट से जूस का इसका, तो फिर मैंने देखा कि नेचुरल है और ये 11,000 फीट के पास होता जाके मतलब लद्दाख में इतनी इतनी देरी से, तो फिर मैंने कहा कि ज़बरदस्त चीज़ है और मैं इसको हर रोज दे रहा हूँ, अभी पी के देखना अच्छा है। और वर्कआउट बस को दिखा दो मुझे, मैं फील कर रहा हूँ कि 14 साल का हो गया हूँ। देखो बॉडी ऐसे होता है, उम्र से नहीं होता। और हमेशा पॉजिटिव सोचो, जो कुछ भी हमारे लिए जो पीछे बोलते हैं ना बेचारे पीछे रह जाते हैं, तो बुरा ये हमेशा करते जो बराबरी नहीं कर सकते, कोशिश करते रहो, आगे बढ़ते रहो, देखते रहो। नमस्ते, थैंक यू। को हर यूथ के पास पहुंचाए, सो वी आर ग्रेटफुल टू गोल्ड जिम फॉर बीइंग अ फिटनेस पार्टनर, थैंक यू सो मच। एंड ऑफ कोर्स संग्राम सिंह जी जो हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं वेल सेट सिपरथन जूस के, ये फिर से बोलूंगा यूनिक नेचुरल ऑर्गेनिक मल्टी विटामिन मिनरल जूस, बेस्ट ऑफ इट्स काइंड इन द वर्ल्ड है, इंडिया में लॉन्च हुआ है और ऐसा जूस गारंटी से आपको कहता हूँ कि आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, सो दिस इज द बेस्ट यू कैन गेट। सिबर्थन बेरी है क्या? फिर मुझे पता चला जब मैंने शूटिंग किया एक लद्दाख में, हमने किसका शूट किया, देखा मैंने वहाँ पे कितनी मुश्किल से मतलब समझो 1 एकड़ में कुछ डिब्बे निकलते हैं, मतलब ज़्यादा नहीं कुछ निकलते हैं क्योंकि इतना छोटा फ्रूट होता है, मगर वो इतना रेयर है कि अगर आप 1 महीना उसको ले लो ना तो आपका कैंसर आदि बीमारियाँ वैसे ही दूर हो जाती हैं, चेहरा लाल हो जाता है। तो फिर ये देखा कि अच्छी चीज़ है, एक्चुअली सही है, मैं वेट कम कर रहा था क्योंकि मैं एक काफ़ी मैं मतलब वो चीज़ें कर रहा हूँ क्योंकि मैं मुझे एक फिल्म करनी थी जिसके लिए 20 केजी वेट कम करना था, बाकी चीज़ें करनी थी। तो फिर मैंने जब इसका जोड़ा लिया तो मतलब ये सुपर्ब है। अब रेसलिंग के साथ साथ मैं प्रोफेशनल रेसलिंग करता हूँ, टीवी शो करता हूँ, अच्छा मोटिवेशनल स्पीच देता हूँ, ये सारी चीज़ करता हूँ, तो थकता ही नहीं हूँ, मैं सिर्फ सोता ही 5-6 घंटे हूँ, इम्यूनिटी इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है। और ये आप सब लेके देखना कि खुद पता चलेगा कि किस चीज़ कैसी है। देखो मैं वैसा इंसान हूँ क्योंकि मैं भी एक नॉर्मली गांव से आया हूँ, मैंने टाइम देखा है कि पैरों में इशू नहीं होते थे, 20 किलोमीटर पैदल चलता था, बस का किराया नहीं होता था, तो मैं हमेशा कोई गलत चीज़ होगी ना उसके साथ जुड़ूंगा ही नहीं। कितना ही पैसा हुआ, अभी बोल तो रहा था कि मतलब कुछ साथ तो कुछ लेके जा नहीं सकते और वापसी का टिकट बुक है,
वो आपसे टिकट बुक रहता है, तो मैं हमेशा सोच के चलता हूँ कि जो कुछ दो ना मालिक हमें जरिया बनाए अच्छा देने का, तो इसलिए मुझे बड़ा ये अच्छी चीज़ है। और गोल्ड जी फिटनेस पार्टनर इतने सालों से मतलब फिटनेस प्रोवाइड कर रहे हैं, एक मैं कहना चाहूँगा कि गोल्ड जिम के साथ तकरीबन हमें एक साल तो हो गया होगा गुलाटी जी गोल्ड जिम के साथ जो जुड़ा, तो मुझे देखो बचपन में हम सोचते थे गोल्ड जिम वाकई बड़ा जिम है, बचपन में गोल्ड जिम का मतलब एक नाम था, और आज मुझे मौका मिला कभी कभी मैं गोल्ड जिम की मेंबरशिप लेना चाहता था, मेरे पास उतने पैसे नहीं होते थे, फिर मुझे मौका मिला कि इनके साथ जुड़ने का, फेस बनने का, सारी चीज़ करने का, तो मतलब एक बड़ी बात हो रही। गोल्ड जिम है ना एक पुरानी और काफ़ी इज्जतदार ब्रांड है जो मतलब इतने साल से चल रही है इंडिया में, बाहर देखो जिम तो ढेर सारे हैं मगर गोल्ड जिम क्या है कि उसने अपनी क्वालिटी नहीं खोई है, क्वांटिटी तो देखो ढेर सारी होती है, जो अपनी क्वालिटी होती है ना, कहते हैं ना अपनी यूएसपी वही रखो। अब कुछ देखते हैं कि हम थोड़ा सा कुछ पैसा आया या कुछ आया तो वो बातचीत करनी थोड़ी कम कर देंगे, समझते हैं नॉर्मली, मगर क्या है कि इंसानियत मत खो। अगर हम किसी को छोटा देख रहे हैं या कुछ ऐसा देख रहे हैं तो या हम दूर से देख रहे हैं या गुरूर से देख रहे हैं, इंसानियत अपनी बना के रखो, वही काम आएगा, वही सब कुछ है। अलग अलग खेल से जुड़े जो भी खिलाड़ी होते हैं हम ब्रांड को एंडोर्समेंट करते हैं, लेकिन आज के दौर में भी देखिए क्रिकेटर्स को बहुत किया जाता था, तो इस बात से क्या कहना चाहेंगे? मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि जितने सारे अपने भाई बंद हैं कि भाई आप सब के पास तो इतने पैसे हैं कि आप सबको तो जैसे कोल्ड ड्रिंक है या दूसरा है कोई तीसरी चीज़ है उन्हें करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप सबको पता नहीं कितने लाखों करोड़ों बच्चे अपना आइडल मानते हैं, तो मैं कहना चाहूँगा उनके साथ साथ अपने सुपरस्टार को कहना चाहूँगा कि भाई आप सारी चीज़ वो करो कि जो चीज़ इस सोसाइटी के लिए, बच्चों के लिए, यूथ के लिए, सबके लिए फ़ायदेमंद है, तो उनसे यही कह सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि पैसा मैंने देखा कईयों से पूछा है, कुछ इंसान होते हैं जिनकी मतलब नॉर्मली रहता है, वरना तो थोड़े से चेंज हो जाते हैं, देखो यार मैं तो ये कर दिया वरना दूसरा करेगा, मैंने कहा अगर यही सोचेंगे देखो हम दूसरे किसको सुधारेंगे, अगर हमने खुद पे काम कर लिया तो समझ लो खुद सुधर गए सब सुधर गए, तो उन्हें कहना चाहूँगा कि भाई पैसे की कमी तो है नहीं उन सब के पास में, और मैंने पर्सनली बोला दो चार को, नाम तो मैं लेना नहीं चाहूँगा, मैंने सुपरस्टार को बोला, स्पोर्ट्स वालों को बोला कि आप सब वो चीज़ करो जो चीज़ जेन्युइन है, सही है। क्योंकि मैं एक बीमारी थी मुझे रूमेटिक अर्थराइटिस, मुझे पता है कि कितना पेनफुल होता है, इस दुनिया में सबसे अमीर आदमी वो है जिसका शरीर सही है, मैं 7-8 साल एक चारपाई पे रहा हूँ, अब ये अखबार में स्टोरी आते व्हीलचेयर, ये सब व्हीलचेयर के पैसे ही नहीं होते थे, गांव में कहाँ से व्हीलचेयर आएंगी, रूमेटिक अर्थराइटिस था जिसको डॉक्टर बोलते थे गठिया बाई नहीं होता जो लास्ट स्टेज अपने हाथ से अपना मुंह धो सकता था, डॉक्टर बोलते थे कि बीमारी डेथ के साथ ख़त्म होगी, पिछले 16-17 साल से डॉक्टर साहब को टाटा बाय बाय करता हूँ, क्योंकि नेचुरल रहो, सारी चीज़ यहाँ पे है, बस इसको कन्वेंस कर लिया तो सारी चीज़ हो गई। सर खेल से जुड़ा हुआ है आपका शिक्षण है, प्लस इंडस्ट्री से भी आप खुद में टू की और बात कर रहे थे, क्या क्या कहना चाहेंगे कि कितना ज़्यादा आगे चल के मतलब कैसे को रिवार्डमेंट आने वाला है, क्योंकि काफ़ी लोगों का बड़ा पास हुआ इसके माध्यम से? सही बात से हम दूसरी जगह चले गए। देखो मेरा ये मानना है कि अगर जो ये इल्ज़ाम लग रहे हैं अगर इन्होंने जेन्युइन किया तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि सबकी बहन बेटी हमारी बहन बेटी है। और देखो मैं पहले पुलिस में था, दिल्ली पुलिस में था, पुलिस तो बदनाम है, पुलिस कहते पुलिस रिश्वत लेती है, पुलिस का नंबर तो 9वां 10वां आता है, ऐसे सिनेमा वो सामने दिखता तो सोचते कि भाई यही सब कुछ है, इससे पहले तो ऑफिस हैं और ढेर सारी चीज़ें हैं, ढेर सारे डिपार्टमेंट हैं। बाकी मैं ये कहूँगा कि भाई एक पुरानी कहावत है, घास से कैसे हो चश्मा हरा होना चाहिए, लड़कियों को कहना चाहूँगा कि भाई सामने वाला वो उसे अपने आप ऐसे रहो कि सामने वाले की हिम्मत ही नहीं पड़े देखने की, और फिर सामने वाला कोई ऐसी बदतमीजी करता है चाहे वो कुछ है कोई बड़ी रैंक का फ़ायदा उठाता है, चाहे कोई डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है या एक्टर है दूसरे हैं, तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ खाली मीटू अखबार तक सीमित नहीं होना चाहिए, उनके खिलाफ केस होना चाहिए, तो फ़ायदा तभी है ना, जब एक दो चार जेल में चले जाएंगे तो मीटू यूटू सीटू सब भूल जाएंगे, अगर जेन्युइन है तो। देखो जायज जेन्युइन है पहले पूरा जाँच पड़ताल हो, क्योंकि क्या होता है कि कई बार कहते हैं कि गेम के साथ ना घुन पिस जाता है, गेम कम पिसता है, कि पता चले कोई बेचारा जो सही आदमी है शरीफ आदमी वो फंस गया, तो इस चीज़ पूरी चीज़ की जांच पड़ताल हो। और देखो मीडिया तो समाज का आईना है, समाज को आईना तो देखो आप सब दिखाते हैं, तो अगर कोई जेन्युइन है चीज़ बाहर ले गया है तो अच्छी बात है। और आगे का क्या प्लानिंग है सर, जो छह साथ जुड़े हुए हैं आगे जिस जगह से आप आते हैं काफ़ी लोग ट्रेनिंग देते हैं, मेंटर बनते हैं, कोच बनते हैं, तो आपका क्या प्लानिंग है अभी? देखो मैंने कोशिश कर रखी, एक टाइम क्या था कि मैं खुद नहीं पढ़ सकता था, मैं जरिया बन रहा हूँ, मेरी 150 बच्चों की फैमिली हो गई है जिसमें से 30-40 मेरे गाँव से हैं, तो मैं उनकी कॉपी किताब का, यूनिफॉर्म का, उनकी स्कूल फी का जरिया बनता हूँ, करता तो वही है, हम तो खाली जरिया है, माध्यम है। तो अभी आगे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे मैं अभी प्रोफेशनल रेसलिंग करता हूँ, टीवी शोज़ करता हूँ, फिल्म करने जा रहा हूँ, क्योंकि क्या है कि एंटरटेनमेंट बड़ा सेक्टर है, आप कितना ही कुछ करो, देखो क्रिकेट तो देखो बड़ा है थोड़ा सा, मगर सबसे बड़ा यही है, आप कहीं भी चले जाओ।
तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ढेर सारा आपको कोई बच्चा दिखे, जेन्युइन दिखे, कि उन बच्चों का जरिया बन जाए स्पोर्ट्स का, इस चीज़ का। और अब आगे कोशिश कर रहा हूँ कि आगे अकेडमीज या कोई ऐसी चीज़ लेके आएँ कि एक सपना होता था कि ओलंपिक में जाएँ, मेडल जीतें। वो सपना पूरा नहीं हो पाया क्योंकि उस टाइम पर इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी, कोई समझाने वाला नहीं था, कुछ नहीं था। मैं चाहता हूँ कि उन बच्चों का जरिया बनूँ कि जो जाना चाहते हैं वो मेडल जीते, देश के साथ साथ अपना अपना सपना पूरा हो जाएगा किसी तरीके से, उनको सपोर्ट कर पाए तो। हमारे देश के बच्चे ओलंपिक्स में जाए, ये सेबक थॉर्न ड्रिंक ऑलरेडी चाइनीज़ ओलंपिक्स में 1998 में ऑफिशियल ड्रिंक था। तो हमारा जो सेबक थॉर्न बेलसैश ड्रिंक हमने प्रोड्यूस किया है, इज फैंटास्टिक स्पेशली फॉर एथलीट्स। इसका एक यूनिक फॉर्मुलेशन है जो कि आपकी परफॉर्मेंस एनहेंस करता है नेचुरली। देर इज़ नो स्टेरॉयड, देर इज़ नो एडिटिव, इट्स अ 100% नेचुरल ड्रिंक। तो इससे ज़्यादा आपको वर्ल्ड में नेचुरल चीज़ नहीं मिल सकती है। सो दिस इज़ द यूनिकनेस। सो आई होप कि योर ड्रीम कम्स थ्रू थ्रू आर ड्रिंक, सो दैट द बॉयज़ परफॉर्मेंस इज इंक्रीज, द गर्ल्स परफॉर्मेंस इज इंक्रीज एंड रीच द ओलंपिक्स। ओके संग्राम, मैं आपसे पूछना था, जैसे पिछले दिन बताया चाइना में ऑफिशियल ड्रिंक था, और जब हम मेड इन इंडिया की बात करते हैं, मेड इन इंडिया की हमारे देश में ही हम मेड इन इंडिया और मेड इन इंडिया को सपोर्ट नहीं कर रहे, वो चीज़ होती है। देखो बात क्या है कि जो इंडियन है ना, इंडियन ब्रीड, मैं आप सबको एक एक्चुअली बात बता रहा हूँ, शायद कोई नहीं बताएगा, प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। जो इंडियन ब्रीड है ना सबसे स्ट्रॉन्ग है, जैसे ये चाइना वाले हैं या इंग्लैंड वाले हैं, ये इनकी तो आँखें नहीं खुलती, मगर इसके बावजूद इतनी मेहनत कर करके इतने स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं, फैसिलिटी हो गई, सारी चीज़ें हो गई। इंडिया में पता क्या है, मैंने कुछ कर लिया, बस मैंने कर लिया, सामने वाला करे या ना करे। और अब तो काफ़ी हालात चेंज हो गए, पहले क्या होता था गलती से इक्का दुक्का मेडल आ गया तो मेडल उतारते नहीं, समझ गए ना। तो अब सिस्टम बन रहा है धीरे धीरे, मेड इन इंडिया काफ़ी चीज़ें आगे आ रही है, मगर उस सब की जिम्मेदारी तो हमारे ऊपर है। अगर हम खुद अच्छा करेंगे उस चीज़ को आगे बढ़ाने का, हम क्या हम सोचेंगे कि भाई हमारा चूल्हा चौका जल गया, हमारा काम हो गया, अब सामने वाले का हो या ना हो, अगर वो सोच हम बदल लेंगे ना, तो इंडिया सबसे स्ट्रॉन्ग ब्रीड है इंडियन की और निग्रेज की, निग्रो मतलब उनका बच्चा फिर भी बीमारी झेल नहीं पाता। अपना बच्चा क्या कि हर मौसम झेल सकता है, हर बीमारी झेल सकता है, उसके बावजूद हम ओलंपिक में ना डबल मेडल में पहुँचते, तो शायद अब आगे पहुंच जाएं क्योंकि अब सारी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं। अब आप देख रहे हैं कि कॉमनवेल्थ मेडल जीते उनको 3-3 करोड़ मिल रहे हैं। तो आई होप कि सबके एफर्ट से, गवर्नमेंट के एफर्ट से, हम सब के एफर्ट से आगे जाए। अब काफ़ी पहले खाली क्या होता था, क्रिकेटर होता था, अब हम जानते हैं ना कि रेसलिंग में इसने जीता, बॉक्सिंग में उसने जीता, हॉकी में उसने जीता, ये सब भी जीता, तो अब बाकी स्पोर्ट्स आ गया, आगे आ गया है। सो एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो, गोल्ड जिम ने 16 ईयर्स कम्प्लीट कर लिए इंडिया में, वर्ल्ड वाइड ये स्टार्ट हुआ था US में 1965 में, सिंस देन इट हैज़ बीन अ पायनियर इन द फिटनेस इंडस्ट्री। सो जब भी एज यू आस्क कि ऐसा कुछ ब्रांड एसोसिएशन आता है, सबसे पहले तो संग्राम सर का नाम जुड़ा है, वही बड़ी बात है। वो जब भी कुछ करते हैं तो हमेशा कुछ ना कुछ जेन्यून ही करते हैं, जैसे लास्ट टाइम ही उन्होंने एक एसोसिएशन लेके आए थे, इट वॉज नॉट समथिंग लाइक कि हाँ बस कर दिया, इट इज़ समथिंग रिलेटेड टू सीरियस फिटनेस, विच इज़ द मोटो ऑफ गोल्ड जिम। जैसे कि #making India fit इज द लेटेस्ट ट्रेंड दैट वी आर बिग यू नो ब्रिंगिंग इन इंडिया। सो संग्राम सर हमारे साथ लास्ट ईयर से जुड़े हुए हैं, एंड जब उन्होंने बोला कि ये जो सेबक थॉर्न जूस है इट्स एब्सोल्युटली नेचुरल, सो आई सेड व्हाई नॉट, आई थिंक वी शुड बी अ पार्टनर ऑफ दिस। एंड ये जो मोटिवेशनल सीरीज लेके आ रहे हैं, इट इज़ समथिंग दैट इज़ गोना बी टारगेटेड टू द यूथ एज वेल एज पीपल ऑफ ऑल एज ग्रुप्स। इट इज़ अ मोटिवेशनल सीरीज दैट फिटनेस टुडे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ नॉट मेकिंग मसल्स और बॉडी बिल्डिंग और गेटिंग थिन स्लिम जीरो फिगर, नहीं, यू नीड टू बी फिट, यू रियली नीड टू बी फिट, बिकॉज आज के टाइम में लाइफ इतनी फास्ट फॉरवर्ड है, यू हैव टू कीप योर सेल्फ फिट टू कीप अप विद द कॉम्पिटिशन एज वेल। सो दैट्स अबाउट इट, एंड गोल्ड जिम इज़ रियली हैप्पी टू बी अ फिटनेस पार्टनर फॉर सच अ मोटिवेशनल सीरीज दैट इज़ कमिंग अप एज वेल एज द जूस। अभी आपने कहा क्रिकेट की बात करता हूँ, क्रिकेट डजंट गेट एनी इंट्रोडक्शन, यू नो धर्म है हिंदुस्तान में, क्या आपको लगता है मीडिया इज समवेयर डाउन द लाइन बिहाइंड ऑल द स्पोर्ट्स इज हाईलाइटेड। मैं किसी भी और खेल की मैं बात करूँ, मैं कुश्ती की बात करूँ, और जिस तरह से अब खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलता है, क्या आपको लगता है कि मीडिया का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है उन सब चीज़ों को उजागर करने का, उन सब लोगों को पहुँचाने का? देखिए बिल्कुल फैक्ट मीडिया का ये, देखो मीडिया जैसे मतलब जो छापने लगी तो हम पढ़ते हैं ना कि मतलब उसने मेडल जीता, वरना हमें क्या पता चलता किसने क्या मेडल जीता,
क्योंकि मीडिया का तो एक अहम योगदान है. आप सब लिखोगे दूसरे गेम के बारे में, दूसरे स्पोर्ट्स के बारे में, सब पढ़ेंगे और एक क्यूरियोसिटी जगेगी कि भाई उस खिलाड़ी ने जीता, मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ. अच्छा हिमा दास कौन है, अच्छा वो अमित दहिया कौन है, वो बजरंग पुनिया कौन है, तो फिर हम पढ़ते हैं. और एक आपसे कोई बात बता रहा हूँ, चैंपियन वो नहीं होता जो मेडल जीता, ट्रॉफी जीता, फर्स्ट आता है. हम सब में चैंपियन है. चैंपियन वो है जो लगातार कोशिश करता रहता है, जो हिम्मत नहीं हारता. बस एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, उसको जिंदा रखो. स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ये नहीं कि आप खाली स्पोर्ट्स खेलो, आप किसी फील्ड में किसी के लिए अच्छा करने की कोशिश करते हो, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है. तो बस उसको जिंदा रखो, तो ये मेक इन इंडिया भी होगा, मेड इन इंडिया भी होगा, सब कुछ होगा. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू. राम सिंह, आई थिंक कि मुझे ऐसा लगा कि यार कि मैं बहुत जल्दी रिटायर हो गया और मैं इनके साथ अगर प्रैक्टिस करूँ ना तो मैं भी गोल्ड मेडल लेके आ सकता हूँ. इनके साथ हम इतनी मेहनत करते हैं ना, और ये आदमी हमसे इतनी मेहनत कराता है ना, तो आप आगे देखना कभी आप लोग मीडिया वाले कि हम लोग चार चार घंटा प्रैक्टिस करते हैं. सर आप अभी जुड़ सकते हो, गोल्ड लाया आप, सिल्वर लेके आओ. मैं महेंद्र जी की आप एज पूछो, इतने फिट हैं, मतलब आप यकीन नहीं करेंगे 60 प्लस वो हैं और इतने फिट हैं कि मतलब वर्कआउट करते हैं. इनकी देन है, अभी एक साल से हम लोग डेली प्रैक्टिस करते हैं और ये जो ड्रिंक आप बोलते हैं बहुत स्ट्रांग है, उससे ज़्यादा स्ट्रांग ये है और ये पीके और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे ये. सर मेरा एक क्वेश्चन था उस ड्रिंक को लेकर, मैनी सप्लीमेंट्स विच हैव कम इन द मार्केट, वी क्लेम एवरीथिंग दैट हाउ व्हाट यू क्लेम, सो व्हाट इज स्पेशल अबाउट दिस प्रोडक्ट एंड व्हाट इज द गारंटी अबाउट दिस प्रोडक्ट. Very good question. Yeah. We are not claiming anything. We have got certificates and we have got proof. We have got proof for everything which is in this drink. It is a well-researched drink. Ye, since 1960s, ye product research ho raha hai, Sibagthorn. Iske humare paas FSSAI certification, organic certification, sab kuch international certification, sab hai iska. So, ye koi claims nahi hai. This is a genuine, natural product, jo ki Himalayas mein milta hai. Humne iske bhi video series banai hai, wo bhi aapko dikhayenge. So, you can go to the source and see ki kaun si beer se kaise juice banta hai, wo sab open mein hai. So it is not a claim, it is a genuine thing. But the federation that later on they come with a claim that this is the product which was there in this and it's a banned product. नहीं, दिस इज नथिंग लाइक दैट. दिस इज 100% नेचुरल प्रोडक्ट जो कि ऑर्गेनिक बेरीज से भी बना है. तो इसमें ये कोई केमिकल्स नहीं है इसमें. ये जो आपको अलग अलग प्रोटीन सप्लीमेंट्स मिलते हैं ये उससे टोटली डिफरेंट है. इट इज अप्रूव बाय FSSAI. इट इज गॉट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन फ्रॉम इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन एजेंसी. सो ऑल दीज सर्टिफिकेट्स वी हैव ऑल्सो सेंट टू द हेड ऑफिस इन गोल्ड जिम. संग्राम भाई हैज ऑल्सो वेरीफाइड. इट इज अ प्रॉपर प्रोडक्ट. सो बात की एक बात, अगर लॉन्च किया था ये जैसे ये प्रोडक्ट दिल्ली में सेंटर मिनिस्टर मेनका गांधी ने लॉन्च किया था थोड़े दिन पहले, क्योंकि सेंटर मिनिस्टर वैसे आते नहीं कहीं पे लॉन्च करने के लिए. जैसे हम उनसे जुड़े थे, मैंने उसको दिखा कि मैम ये 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 चीज़ है, ये अच्छी चीज़ है, तो उन्होंने खुद फिर आके बोला सिबरथन बेरी के बारे में. अभी हम थोड़ा सा वो है वरना मैं वीडियो दिखाता आपको. तो उन्होंने लॉन्च किया था और हमेशा की एक पुरानी कहावत है ये है ना, कुछ ना कुछ फ़ायदा करेगा, नुकसान नहीं करेगा. जो जेन्युइन चीज़ होती है ना वो थोड़ा सा, मतलब भले ही आपका थोड़ा सा दो दिन देर से फ़ायदा करते हैं, नुकसान नहीं करेगा ये. सर आप इस प्रोडक्ट के ब्रांड एंबेसडर, क्या आपने इसको इस्तेमाल करना शुरू किया है? मैं पिछले 3-4 महीने से मैं हर रोज़ लेता हूँ. कुछ आपको फर्क क्या लग रहा है? फर्क यू आर परफेक्टली वेजिटेरियन हुआ, सेकंडली यू हैव योर ओन वे ऑफ एक्सरसाइज, ये आने पर आपको क्या फर्क किया? ये आने पर फर्क इतना लगता है कि जो इम्यूनिटी है ना, आप थकते नहीं हो. जैसे आपने 4 घंटे सोए या 5 घंटे सोए तो आप रिकवरी फील करते हो. ये नहीं, आप लेके देखना एक, मतलब तकरीबन 30 दिन के बाद फिर आपको इसका इफेक्ट नजर आएगा. ये नहीं कि एक दिन में आ गया, दो दिन में आ गया, 15-20 दिन के बाद. जैसे अश्वगंधा हम सब ये लेते हैं ना नेचुरल चीज़, तो उनका इफेक्ट आता है 20-25 दिन बाद. तो इसका मुझे अच्छा लगा. अब मैं 15 साल की उम्र में जो वर्कआउट नहीं कर पाता था, मैं हाथों पर चलता हूँ, एक हाथ पे खड़ा होता हूँ, क्लैपिंग करता हूँ, आपने देखा कि दो दो आदमी को उठा के ऐसे वो कर लेता हूँ, वो सारी चीज़ कर रहा हूँ. तो इसने भी सपोर्ट किया. मैं कहूँगा कि ये लेके मैंने सारी चीज़ कर ली. देखो ये लेके अगर आपने एक्सरसाइज नहीं किया, वर्कआउट नहीं किया, कुछ भी चीज़ लेके, तो उसका फ़ायदा कुछ नहीं है. ज़्यादा खाएंगे, टॉयलेट ज़्यादा जाएंगे, क्योंकि अगर हम कुछ खाएंगे, वर्कआउट करेंगे, तभी फ़ायदा उस चीज़ का. सर तो ये पहला प्रोडक्ट रहेगा जो आप आउटसाइड से ले रहे? आउटसाइड मतलब डिफरेंट? हाँ ये डिफरेंट है. मैं एक वेजिटेरियन प्रोटीन के साथ भी जुड़ा था उस कंपनी का, दूसरा नाम था, उस कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूँगा अभी. उसके साथ बच्चन साहब थे, सानिया मिर्जा थे, सब मतलब हम तीनों उसके जुड़े हुए थे उसके साथ. तो मैंने देखा कि हाँ वो चीज़ें ना फ़ायदा कुछ कर नहीं रही, मगर नुकसान भी नहीं कर रही. मैं चलो ठीक है नॉर्मली है, तो ये चीज़ है ना कि मतलब फ़ायदा ही करेगी, नुकसान तो कुछ करेगी. ये भी 100% नेचुरल है,
ये केमिकल से नहीं बनाई, 100% नेचुरल प्रोडक्ट है, इसलिए इन्होंने देखा कि ये नेचुरल है, इसलिए मैं इसको ट्राई करूँ। सर इसको अपने संग्राम के लिए पूछा, ही इज द फर्स्ट एग्जाम्पल फॉर मोटिवेशन एंड फिटनेस, जो जो संघर्ष करके ये चैंपियन बने हैं, ही इज द बेस्ट एग्जाम्पल। थैंक यू।